Hello everyone, this is our English class and today we will continue with our last chapter of this book. So we have to start from here. The chowkidar heaved a deep sigh and said, "The villagers are starving and their existence is in peril." Ab yahan par chowkidar se jab wo poochta hai narrator ki sare villagers kahan hain, तो चौकीदार जो है गहरी सांस लेता है और फिर बोलता है कि सारे विलेजर्स जो है वो भूख से पीड़ित हैं और वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। दे हैव नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, और उनके पास देखने के लिए कुछ भी नहीं है, आगे उम्मीद नहीं है उनके पास में कोई। अ फ्यू विलेजर्स हैव ऑलरेडी माइग्रेटेड टू द सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब्स थिंकिंग दैट दिस विलेजर्स कर्स्ड। कुछ विलेजर्स जो हैं वो ऑलरेडी दूसरे गाँव में या दूसरे शहरों में नौकरियों के लिए चले गए हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस गाँव पर क्या है, कर्स है, यानी कि अभिशाप है। अन्ना अन्ना डिसाइडेड दैट ही विल नॉट जॉइन द विलेजर्स इन द टेम्पल। अब अन्ना जो है वो डिसाइड करता है कि वो जो है जाकर के गाँव वालों के साथ में मंदिर में ज्वाइन नहीं करेगा। He thought that the village folk do not endeavor to find a solution to any grave problem because of the lack of proper education. If things become unbearable, they need God to descend on earth to fight their battle. अब उसको लगता है कि villagers जो हैं वो इस तरह की चीज करके solution नहीं ढूंढ रहे किसी problem का। मतलब वो भगवान की पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन ये एक solution नहीं है। और शायद इसलिए ऐसा है क्योंकि वो कम पढ़े लिखे हैं। अगर थिंग्स जो मतलब चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा ऐसे नहीं हो गई हैं, तो उनको भगवान मतलब दे नीड गॉड टू डिसेंड ऑन अर्थ टू फाइट देयर बैटल, यानी उनको भगवान की जरूरत है, लेकिन इसलिए है कि वो खुद से लड़े, अपनी लड़ाई खुद से लड़े हैं। इस अर्थ पर भगवान ने उन्हें इसीलिए भी भेजा है यहाँ पर, जिसे वो खुद की चीज जो है उस पर खुद से उसका सोल्यूशन निकाले। ठीक है, यूजुअली जो है भगवान ने इसीलिए उनको उतारा है यहाँ पर। दे फुली वेट फॉर एन अवतार, यानी कि वो उम्मीद लगा रहे हैं कि भगवान अब अवतार लेंगे। इन द आवर ऑफ क्राइसिस दे डू नॉट रियलाइज दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन एंड मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज कि जो व्यक्ति भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की भी मदद करता है। ठीक है, और इस क्राइसिस की घड़ी में इनकी इस आपदा जो आ रखी है उनके यहाँ पर, उनको ये याद रखनी चाहिए लाइन। इवनिंग गेव वे टू ट्वाइलाइट एंड ट्वाइलाइट सैंक इनटू डार्कनेस। ही वाज अलोन इन हिज हट। ही टर्न्ड अप द विक ऑफ लैंटर्न इन इट्स सूटी चिमनी बिकेम ब्राइट। और तभी शाम होती है, शाम से रात हो जाती है और वो अकेला अपनी चौपड़ी में है और वो लाइट चलाता है, लैंटर्न चलाता है, लालटेन जो होती है उसे चलाता है और उसकी अंधेरी चिमनी में थोड़ी रोशनी होती है। अनास थॉट्स फ्लू बैक टू द पास्ट। ही रिमेम्बर्ड हाउ हिज पेरेंट्स इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रिंजेंट फाइनेंशियल कंडीशंस सेंट हिम टू अ प्रेस्टिजियस साइंस कॉलेज इन द सिटी। अब अना अपने पुराने पास्ट के बारे में सोचता है, भूतकाल के बारे में सोचता है। वेयर ही वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ हिज पेरेंट्स स्ट्रगल एंड इन स्पाइट दे वर नॉट दैट मच रिच So they send him to a prestigious science college to study further. The science college, मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि किस तरीके से उसको अपने पुराने दिनों को याद करा कि कैसे उसके यहाँ पर financial problems थी, उसके बावजूद भी उसके parents ने उसको अच्छे college में science पढ़ने के लिए शहर भेजा। His strong will to prove himself won him the award of the best student of the college. और उसकी जो स्ट्रॉन्ग विल थी, यानी जिसकी अच्छी इच्छा शक्ति जो थी काफी स्ट्रॉन्ग थी, इसीलिए उसने अवार्ड भी जीता, वो भी किसका, बेस्ट स्टूडेंट का कॉलेज के अंदर। अन्ना वाज फर्मली डिटरमाइंड दैट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन ही वुड रिटर्न टू हिज स्मॉल विलेज एंड वर्क फॉर हिज इट्स अपलिफ्टमेंट। और वो पूरी तरीके से उसने ठान लिया था कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में वापस अपने छोटे से गाँव में जाएगा और उसकी बेहतरी के लिए काम करेगा। He always thought of employing modern methods of farming in his village and educating the villagers on environment, water management and other issues. और वो हमेशा सोचा करता था कि किस तरीके से उसको modern methods जो हैं वो use करने हैं खेती बाड़ी के लिए village के अंदर, कैसे villagers को educate करना है पर्यावरण को लेकर के और कैसे उनको water management सिखाना है या फिर बाकी जो उनकी भी परेशानियां हैं वो भी कैसे deal करना है उनसे। He was totally different from his other classmates who always dreamt of earning in dollars and leading a luxurious life in a foreign country. वो पूरी तरीके से
अपने जो बाकी क्लासमेट्स थे, फेलोमेट्स थे, उनसे बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि वो सोचा करता था कि कैसे उसको अपने गांव की भलाई करनी है, और बाकी उसके जो क्लासमेट्स थे वो सोचते थे कैसे हमें बाहर की फॉरेन कंट्रीज में जाना है और एक आरामदायक जिंदगी जीनी है और खूब डॉलर्स कमाने हैं। As he was reflecting on the goal of his life, his eyelids became heavy and he went off to sleep. जैसे कि वो सोच रहा था अपनी जिंदगी के मकसद की तरफ, तभी उसकी आंखें जो है भारी हो जाती है और वो सोने चला जाता है, मतलब वो सो जाता है। Anna then saw a macabre vision. There were bombs everywhere and not a place to hide. He could clearly see the blazing homes, dilapidated buildings, charred, mangled bodies and moons of corpses. उसको एक भयंकर सपना आता है जिसमें सब जगह बॉम्ब्स ही बॉम्ब्स हैं, एक भी जगह नहीं है जहाँ पर छुपा जा सके। वो देख सकता है कैसे घर जल रहे हैं, किस तरीके से बिल्डिंग्स जो हैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं और काली पड़ गई हैं, और बॉडीज जो हैं वो शक्त विशक्त हो चुके हैं, यानी कि कटी फिटी बॉडीज रखी हुई और उनका ढेर हो गया है। द एंटायर एटमोसफियर वॉज रिस्पॉन्डिंग विद वाइनिंग साउंड्स, क्राइज ऑफ लैमेंटेशन एंड एग्नी। अब पूरा एटमोसफेयर यानी पूरा वातावरण जो है वो रोने चीख पुकार से और दुख मनाने की आवाज से भर चुका है। ही हर्ड अ पैथेटिक वॉइस, माय थ्रोट इज पार्स्ड, कैन समवन गिव मी अ ड्रॉप ऑफ वाटर। एंड विद इन अ फ्यू मोमेंट्स द फीबल वॉइस बिकेम साइलेंट, लीक्स ऑफ ब्लड स्प्रिंग फ्रॉम द लाइंस ऑफ ओल्ड रिंकल फेस। अब उतने में ही जब ये सब चीजें वो देख रहा है, उतने में इसको एक आवाज आती है कि मेरा जो गला है वो सूख चुका है, क्या मुझे कोई एक बूंद पानी पिला सकता है। और कुछ ही क्षणों में वो आवाज भी जो है वो शांत हो जाती है, और लीक्स ऑफ ब्लड स्प्रिंग फ्रॉम द लाइंस ऑफ ओल्ड रिंकल फेस, जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसके फेस से क्या एक खून सा बहने लगता है। ऑन द अदर साइड अ हार्ट रेंडिंग श्रेक ऑफ अ वुमन वॉज ऑडिबल टू हिम, और दूसरी तरफ उसको एक दिल दहला देने वाली चीख जो है एक औरत की आवाज जो है सुनाई देती है। शी हैड गॉन इनसेन बिकॉज़ शी हैड लॉस्ट एवरीथिंग, वो पागल हो गई है क्योंकि उसने अपना सब कुछ खो दिया है। शी वॉज होल्डिंग द डेड बॉडी ऑफ अ चाइल्ड इन हर आर्म्स एंड स्टेयरिंग एट द बॉडी विद द वैकेंट आईज, वो देख रही है अपनी बॉडी, उसके हाथों में अपने मरे हुए बच्चे की बॉडी है और वो उस बॉडी की तरफ देख रही है एकदम खाली आंखों से। अनदर एक्सप्लोजन एंड शी अटेन्ड इटर्नल पीस, और एक और बम फूटता है और उसको भी पीस मिल जाता है, उसकी भी मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। Anna then saw an incredible sight. The waters of all the rivers and oceans had turned red. अब Anna ने एक और अजीब सा बिल्कुल एक और उसके सामने दृश्य आता है, एक और एक डिफरेंट साइट आती है जहाँ पर सारी नदियों का पानी, सारे ओशंस का पानी जो है वो लाल हो गया है। He wondered why is it the blood of human beings? वो सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या ये ह्यूमन बींग्स का खून है। There was a tormenting pain within him and a deep horror in his eyes. He shrieked, "No, it cannot be true." और ये देख करके उसके दिल में बहुत दर्द उठता है, एकदम वो ऐसे नहीं दर्द में चला जाता है, वो उसकी आंखें जो है उनमें बहुत ज्यादा हॉरर है, मतलब वो घबरा चुका है, डर चुका है, वो एकदम कहता है चला कि नहीं ये सच नहीं हो सकता। तो अभी हमने देखा कि कैसे ये एक बच्चा जो है बाहर से पढ़ करके आ रहा है, ऑल्दो ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड ही आल्सो गेट दैट ऑलराउंडर अवार्ड, बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड इन कॉलेज, एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली, बिलोंग टू अ वेरी पुअर एंड नॉट सो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली, नॉट सो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली, In spite of that, he is trying to get the better of out of that village. So that's it. Today we are going to study over to this point, and we'll continue this chapter in tomorrow's class. And I would like to suggest you please go through the glossary portion before starting to read this chapter. It will help you to understand the chapter better and it will also increase your vocabulary. Have a nice day ahead, students. God bless you all.